हरियाणा की WWE स्टार केडी लेडी पहुंची जुलाना। कविता दलाल का जुलाना पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। वर्ल्ड रेस इंटरटेनमेंट WWE में अपना पहचान बनाने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर, जिसने भारतीय लिबास में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट CWE की रिंग से उतरकर अपनी पहली फाइट में ही नेशनल रेसलर बुलबुल को रिंग में चित करके सुर्खियों में रही WWE की केडी लेडी कविता दलाल का जुलाना पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से ग्रामीणों ने पूरा मान सम्मान देने का काम किया। पिछले दिनों 14 व 15 जुलाई को अमेरिका में फ्लोरिडा में WWE खेल कर भारत का नाम रोशन कर लौटी हैं जुलाना की कविता दलाल। इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना मेरे लिए इतना आसान नहीं था मेरा सफ़र, लेकिन आज मेरा परिवार मेरे साथ है, भतीजी सब मेरे साथ हैं, इन सब का साथ था, गांव मेरे साथ है। आज इतना बड़ा स्वागत किया, जब मैं खेलने गई वहां लोगों ने इतना अखंड जोत वगैरह पूजा पाठ किए, तो उन सब की दुआएं हैं कि आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने देश का नाम रोशन करके आई हूँ। हाँ, ये सोच है, जब मेरे टाइम में थी तब तो बहुत ज़्यादा ये सोच थी, मैंने इस चीज़ का सामना किया है, उन चीज़ों से निकली हूँ। मैं आज भी बोल रही थी अपने गांव वालों से, रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाओ, उनसे पूछो कि वो क्या करना चाहती हैं। ये सोच है, इसको बदलने में बहुत टाइम भी लगेगा। पता नहीं क्यों सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती। आज मुझे ले लीजिए आप, मेरा उदाहरण सबके सामने है, क्यों नहीं कुछ कर सकती। आज मैं एक छोटे से गांव से निकल के, इसी माहौल से निकल के मैं वर्ल्ड लेवल के स्टेज पर जा सकती हूँ, तो क्यों नहीं अगर सपोर्ट मिले तो। मैं उनको यही कहूँगी कि बोझ ना माने, एक बार उनको भी सपोर्ट करके देखो। वो एक बार लड़का हो सकता है आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन लड़की शादी के बाद भी आपकी फिक्र करती है, तो वो तो दो दो घरों को संवारती है, तो लड़कियों को बोझ क्यों मानते हो आप। सरकार की बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जो ये चला हुआ है अभियान है, तो इसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, लोग बहुत अच्छा सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, तो समाज की सोच धीरे धीरे बदल भी रही है, लेकिन अपना जो गांव का एरिया है, इस एरिया में अभी भी है सोच ऐसी। लड़कियां आगे निकलती रहेंगी, लड़कियां प्रेरणा लेती रहेंगी, माँ बाप भी प्रेरणा लेते रहेंगे, इससे समाज का विकास होगा धीरे धीरे। आज़ाद TV न्यूज़ के लिए जुलाना से विजेंद्र बाबा की रिपोर्ट।